हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ऑल न्यू टाटा टियागो के एक्सजेड प्लस मॉडल पर रिव्यू लेकर आया हूँ। बिकॉज काफी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम टाटा टियागो ले या सेलेरियो पर जाए, तो आज की वीडियो में मैं टियागो का इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन रोड प्राइस, ओवरऑल सारी चीजें बताने वाला हूँ, जिससे आपको चूज करने में इजी रहे कि सेलेरियो ले या टियागो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये अभी आपके सामने है एक्सजेड प्लस वेरियंट। इसमें टोटल 5 वेरियंट्स है, एक्ससी, एक्सटी, एक्सजेड, एक्सजेड प्लस एंड एक्सजेड ऑटोमेटिक। ये 2020 टियागो में बहुत अपग्रेडेशंस कर दी हैं लुक्स में, वो पुरानी टियागो से बहुत ज़्यादा बेटर लगती है। इसकी फ्रंट प्रोफाइल चेक करते हैं तो हेडलैम्प से स्टार्ट करें तो आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं विथ हाई बीम एंड लो बीम, एंड यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स हैं। और हेडलैम्प्स की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। नीचे पूरी क्रोम स्ट्रिप मिलती है एंड तक, एंड इसमें फुल पियानो ब्लैक टाटा सिग्नेचर ग्रिल मिलती है। सेंटर में टाटा की बैजिंग एंड ऊपर भी ब्लैक स्ट्रिप है जो कि इसका फ्रंट लुक इनहांस कर रही है। इस फेसलिफ्ट वेरिएंट में हेडलैम्प्स के ऊपर जो स्मोकी ट्रीटमेंट है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। नीचे मिलते हैं फॉग लैम्प्स विद क्रोम स्ट्रिप जो ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में दिए हैं, और ऊपर आपको टोइंग हुक मिल जाता है। 6 कलर ऑप्शन है इसमें, येल्लो, ब्लू, रेड, वाइट, सिल्वर एंड ग्रे। नीचे बम्पर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, एरोडायनामिक लुक में दिए हैं, एंड ये जो कट्स है वो कार को एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपको इसमें 1.2 लीटर 1195 सीसी का BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है जो 84.48 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 113 nm का टॉर्क। कंपनी क्लेम्ड माइलेज अराउंड 23.84 किलोमीटर पर लीटर एंड एमरॉन की बैटरी मिलती है कंपनी की तरफ से। अब चलते हैं कार के साइड प्रोफाइल की ओर, तो साइड से कुछ इस टाइप दिखती है। डायमेंशंस देखें तो 3765 mm की लेंथ, 1677 mm की विड्थ एंड 1535 mm की हाइट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का। टायर साइज की बात करें तो आपको 175/60 R15 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं विद अलॉय व्हील्स। सस्पेंशंस देखें तो फ्रंट में है इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैकफर्सन एंड रियर में ट्विस्टेड बीम विद कॉइल स्प्रिंग माउंटेड ऑन हाइड्रोलिक शॉक्स। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है इसका इसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, एंड ये ब्लैक पियानो फिनिश में है, पिलर्स डल ब्लैक कलर में प्रोवाइड करें हैं, एंड डोर हैंडल बॉडी कलर में मिलते हैं एक्सजेड प्लस वेरिएंट में। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 35 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलता है आपको इसमें। टियागो में ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसमें रूप ब्लैक कलर में मिलेगा। अब आ जाते हैं इसके बैक प्रोफाइल की ओर, तो बैक प्रोफाइल का लुक पूरा सिंपल रखा है टाटा ने। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लाइट आपने एल्ट्रॉस में भी देखा होगा, आपको ऐसे ही सेम ब्लैक कटआउट में स्पॉयलर मिलते हैं। रियर वाइपर एंड डिफॉगर मिलता है जो कि टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा। सेंटर में टाटा की एंड उसके नीचे टियागो की ब्रांडिंग दी है। रियर टेल लैंप्स देखे तो समवट हनीक्रॉम पैटर्न में प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, एंड टर्न इंडिकेटर्स भी साथ ही मिलते हैं आपको जो कि बैक प्रोफाइल के लुक को सूट हो रहे हैं। नीचे बम्पर्स में कट्स मिलते हैं अगेन स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर दो पार्किंग सेंसर दिए हैं, एंड ये जो पार्किंग कैमरा है वो सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा, बट आप चाहे तो एज एन एसेसरी लगवा सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसकी बूट, तो अनलॉक कर लेते हैं पहले। तो ये पार्सल ट्रे हैं जो रिमूव कर सकते हैं अगर स्पेस आपको ज़्यादा बढ़ानी हो तो। ताकि नीचे सफिशियंट 242 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, एंड इसके नीचे स्पेयर व्हील दिया है बट आपको स्टील व्हील के साथ मिलेगा, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। एंड ये सीट्स भी फोल्डेबल है, आप फोल्ड कर सकते हैं। सो ये थी टाटा टियागो की ओवरऑल बैक प्रोफाइल। अब चेक करते हैं इसका इंटीरियर, तो इसका ड्यूअल टोन कलर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। तो यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट एंड ब्लैक ग्लॉसी फिनिश का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है, एंड नीचे इनबिल्ट स्पीकर्स मिलते हैं, थोड़ी डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस दी है, एंड यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल्स एंड बाकी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सीट्स इसमें मैन्युअली एडजस्टेबल मिलती है जिसकी आप हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो अब मैं कार के अंदर बैठकर बाकी फीचर्स बताता हूँ।
तो अगेन आपको स्टेयरिंग भी स्पोर्टी लुक में मिलता है जो कि फ्लैट बॉटम है। तो लेफ्ट में चैनल चेंज एंड वॉल्यूम अप डाउन जैसे माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, सेंटर में टाटा का लोगो एंड राइट साइड पर आपको कुछ भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखें तो आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। इस पर वार्निंग लाइट्स और फीचर्स जैसे रेंज लेफ्ट, माइलेज, फ्यूल शो करता है, ऊपर टेम्परेचर शो करता है एंड इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। आपको एसी वेंट क्रोम ट्रीटमेंट में मिलेंगे जो फ्रंट में चार है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें फुल्ली टच स्क्रीन मिलता है जो कि 7 इंचेस का है एंड यहाँ पर अभी आपको डिजिटल क्लॉक शो हो रही है। यहाँ से डायरेक्टली होम पर जा सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रेडियो, USB, ऑडियो सेटअप, ब्लूटूथ, कॉन्टैक्ट जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सेटिंग्स में आप जनरल सेटअप, वॉल्यूम वगैरह सेट कर सकते हैं एंड साथ ही इसकी थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉग लाइट्स एंड लॉक अनलॉक के बटन यहाँ पर मिल जाते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है एंड यहाँ से आप इसकी स्पीड भी सेट कर सकते हैं। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड USB पोर्ट प्रोवाइड करा है। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है कार। यहाँ पर कप होल्डर एंड हैंडब्रेक की प्लेसमेंट दी है एंड यहाँ पर बॉटल होल्डर। सन वाइजर टिकट होल्डर के साथ मिलता है। डे नाइट रियर व्यू मिरर एंड को ड्राइवर पर वैनिटी मिरर के ऑप्शन के साथ। सो ये था इंटीरियर टाटा टियागो के ZX प्लस वेरिएंट का। लास्टली इसके रियर सीट डिस्कस कर लेते हैं। यह है सी पिलर जो कि थोड़े डल ब्लैक कलर में है एंड डोर पर वही ट्विटर्स, स्पीकर्स एंड पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सीट पर फैब्रिक अपोल्स्ट्री है जिसकी स्टिचिंग काफ़ी अच्छी करी गई है एंड कंफर्टेबल भी है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है बस आपको इसमें। 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं टियागो में। मुझे लेग में स्पेस भी अच्छी मिल रही है एंड हेडरूम भी ठीक है। पीछे तो एज सच कोई फीचर नहीं मिल रहा है आपको, बॉटल होल्डर मिलता है। रियर एसी वेंट्स टियागो में नहीं मिलते हैं आपको। इंटीरियर के लिए लैंप भी मिलता है सेंटर में, वाइट कलर में है जो कि सेंटर में मिल जाता है। सो ये था टाटा टियागो का रिव्यू। अब इसके सेफ्टी फीचर डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ, तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स में इसमें ABS एंड EBD, एयरबैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, साइड एंड फ्रंट इंपैक्ट बीम्स, एडजस्टेबल सीट्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, रियर कैमरा एंड स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टियागो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।